मैंने सोचा था कि मेरे मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन मेहराब, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। I'm sorry, पुपो, परेशानी में आपको बताना भूल गया। कैसी टेंशन, तुम ठीक तो हो ना? पुपो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं उसी के पास हूँ, शायद रात भी यहीं हो जाए मेरे। बेटा तुम घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसमें घबराने वाली क्या बात है, घर में सारे मुलाजिम हैं और मेरा भी तो घर पे है, आप सबने बात बता सकती है। तुम जानते हो ना, मुझे कातिलों से बात करने का कोई शौक नहीं है। एनीवेज अगर तुम नहीं आ रहे तो भी बता दो। जी, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने। इसका मतलब है मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ है, वरना मेरे भाई यूं घर से ना जाते। मेरा, आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा कि मुझे कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं। प्लीज मेरा, मैं काफी बेहतर हूँ, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ। लेकिन मुझे तुम इस वक्त बेहतर नहीं लग रहे। प्लीज अब मेरा इतना ख्याल मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती? प्लीज, थैंक यू। मुझ पर एक एहसान कर दे मेरा, प्लीज मुझे जान से मार दे, मैं तंग आ गई हूँ इस लथड़ी जिंदगी से, मैं नहीं रह सकती, मेरा कोई भी नहीं रहा है इस दुनिया में। मेरा प्लीज,